हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ नायका हॉल, जिसमें मैंने बिल्कुल भी मेकअप शॉप नहीं किया है। इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, एवरीथिंग ऑल अबाउट केयर। तो मैंने सोचा कि इस साल से मैं अपने बॉडी पे थोड़ा सा ख्याल दूंगी। मतलब आफ्टर जीवा मैं बहुत हार्डली अपने बॉडी का केयर करती हूँ, एंड उससे पहले भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बट इट्स हाई टाइम कि अब मैं अपने बॉडी का ख्याल रखूँ इन 2022। तो कुछ एक अच्छी चीज मैंने सोचा है कि इस साल से मेरा वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अपने बॉडी पे ख्याल रखूंगी। तो मैंने काफी सारे अपने स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए काफी सारी चीजें ऑर्डर की है। तो मैंने सोचा आपको इस साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग अगर जो लोग नहीं कर रहे तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके मुझे देख के। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें शॉपिंग की है, फ्रॉम हेयर्स टू बॉडी टू स्किन टू लिप्स, आई सब चीज का ख्याल रखा गया है। आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट बॉडी केयर हॉल, तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आई होप आप लोग को ये रिकमेंडेशन काम आएंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे, बहुत सारे और काफी ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मैंने यूज किए, कुछ मैंने यूज नहीं किए, बट उनके रिव्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो आई एम श्योर आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर केयर से। तो मैंने रिसेंटली अपने हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट कराया, मैंने कलर कराया, मैंने इसमें केराटिन ट्रीटमेंट कराया, और केराटिन शैम्पूज आर वेरी मच एक्सपेंसिव। तो एक तो केराटिन पे आप खर्चा करो, फिर उसके बाद उसके शैम्पू पे खर्चा करो। तो मैं उसके बाद स्क्रोल कर रही थी नायका पे कि मुझे कुछ मिल जाए अच्छा सा। तो मुझे मिला काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में ये मैट्रिक्स का शैम्पू। ये है ऑप्टिक केयर मैट्रिक्स शैम्पू, स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर, प्रोफेशनल शैम्पू एंड अल्ट्रा स्मूथ हेयर विद शेयर बटर। तो ये काफी ज्यादा अच्छा रिकमेंडेशन है, इसके काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे। और अब जब से मैंने ये केराटिन कराया, लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 months होने वाले, तब से मैं यही यूज कर रही हूँ। काफी ज्यादा कम क्वांटिटी, ऐसे मेरे बाल तो छोटे, चलो कम क्वांटिटी ही काफी अच्छा लैदर कर देता है, काफी अच्छे से सारे जो भी ऑयल वगैरह सब निकाल देता है, काफी ज्यादा अच्छा है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि बालों को स्ट्रेट करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली केराटिन कराया, बट रिव्यूज वर कि बालों को ये स्ट्रेट रखता है, क्योंकि इसमें बोला गया है स्ट्रेट, तो इस वजह से। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, और केराटिन को अभी तक तो ठीक ठाक रखा है, और केराटिन तो लाइक 3-5 months ही चलते हैं, तो अभी तक काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और मैंने इसके साथ खरीदा है ये कंडीशनर, जो कि अगेन सेम है ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेट कंडीशनर, इसी के सेम रेंज का ही है। ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, छोटा क्वांटिटी मैं आपको यहाँ पे लगाती हूँ लेंस में, और काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। विद इन 1 minute के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, एंड इसका ड्यू काफी ज्यादा अच्छा, और केराटिन के बाद बोला जाता है कि कंडीशनर यूज करना ही चाहिए। तो ये दोनों को मैं अभी फिलहाल के लिए यूज कर रही हूँ, और काफी ज्यादा अच्छा है, और ऑलमोस्ट 2 months होने वाले हैं, लाइक आप 1.5 महीने लगा लो, एंड अच्छा खासा इसमें क्वांटिटी अभी भी आई कैन सी कि यहाँ तक है। और मैं वीक में 2 times वॉश करती हूँ, तो अच्छा चलता है। जो केराटिन के शैम्पूज होते हैं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए अच्छा शैम्पू ढूंढना जो उस पर काम करे और उसको जो भी ट्रीटमेंट है उसको रिटेन करके रखे, तो आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला शैम्पू खरीदिए और साथ में ये कंडीशनर खरीदिए। तो इन दोनों को खरीदने के साथ साथ मुझे आया एक और रिकमेंडेशन, जो है ये बायोलार्ज का ये सीरम, जो काफी ज्यादा लाइक एकदम से ये बहुत हाई आ गया था। तो इसको मैं एकदम एक डॉट जितना ही मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल वैसे ही थोड़े हैं, और हल्का सा लेंस पे लगाती हूँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मूथ मैनेजेबल हेयर्स बना देता है। जैसे ही विंटर के सीजन चल रहे हैं तो फ्रिजी ड्राई हेयर्स है, तो मेरे हेयर बिल्कुल भी फ्रिजी और ड्राई नहीं हो रहे हैं। इसमें 6 problems का सोल्यूशन एक ये सीरम में है, और काफी ज्यादा कम क्वांटिटी लगता है। इसमें एवोकाडो है, ग्रेप सीड है, तो आपके हेयर्स को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी लगता है ये। तो ये तीनों चीजें मैंने एक साथ खरीदते अपने हेयर्स के लिए। तो ये हो गया हमारा हेयर केयर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन केयर पे। तो स्किन केयर में बहुत सारी चीजें खरीदे, इस बार मैंने काफी ज्यादा सीरम्स खरीदे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरम्स पे। तो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ ये है कि हेलोरोनिक एसिड, तो देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट सीरम है 1.5 हेलोरोनिक एसिड। तो जिसको नहीं पता है कि हेलोरोनिक एसिड इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन, ये आपके स्किन में मॉइस्चर रिटेन करता है, जो वाटर रिटेन करेगा, जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो उसमें क्या मॉइस्चर और वो ग्लो नहीं दिखता है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। 1.5% इज अ गुड परसेंटेज, तो आपके जो जो एटमॉस्फेयर का जो पानी है ना, वो आपके स्किन में लॉक कर देगा। अभी मैं यूज कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो मैं लिटरली मैंने कुछ डिफरेंस तो देखा है, मैं डेली इसको 2 times लगा रही हूँ। और इसके साथ साथ में मैंने एक और खरीद लिया है, साथ साथ में मैंने प्लम का भी खरीद लिया है। तो मैंने इसके रिव्यूज देखे तो ये भी मैंने सुना कि काफी ज्यादा अच्छा। और इसमें एक और चीज है कि इसमें 2% हेलोरोनिक एसिड है, तो ये लॉरियल में 1.5% था और इसमें 2%, तो ये भी न्यू पैक है, मैंने यूज नहीं किया है, बट
मैंने स्किन में हल्का सा डिफरेंस देखा है तो मैंने सोचा कि मैं ये भी परचेज करूँ. ये बिग बॉटल है, दिस इज लाइक इसमें भी 3 sizes आ जाता है. इसमें मेरा साइज है 15 ml, इट वॉज अराउंड 500 rupees. और ये है हाइलुरोनिक एसिड विद बल्गेरियन रोज, और ये है हाइलुरोनिक एसिड 2% सीरम. तो बूस्ट करता है हाइड्रेशन को, तो मेरी स्किन में हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. और विंटर में भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ऑलरेडी ड्राई स्किन है और ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो मेरे को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. तो मैंने पहले वाले लॉरियल को यूज किया, वो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. इसे ड्रॉपर फॉर्म में आपको आ जाता है, आपको कुछ ड्रॉप अपने हाथ में लेना या फिर डायरेक्टली आप स्किन में से अच्छे से मसाज करिए एंड 30 seconds के लिए ड्राई होने दीजिए. देन यू कैन फॉलो योर मॉइस्चराइजर या फेस ऑयल जो भी आप यूज करते हैं वो आप फॉलो अप कर सकते हैं. 790 rupees का इसका प्रिंट प्राइस है. ये फ्रेग्रेंस फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है, वेगन प्रोडक्ट है. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन सी सीरम. ये भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो मैंने लाइक दिसंबर एंडिंग से ये सब स्टार्ट किया है, तो मैं लाइक इस समय पूरा एकदम जोर शोरों से सीरम और ये सब में घुस गई हूँ. तो मैं भी ऑलमोस्ट फिनिश किया एंड आई कैन लिटरली से कि थोड़ा सा ग्लो आ चुका है, क्योंकि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. वो आपके फाइन लाइंस और आपके रिंकल्स को हल्का सा रिड्यूस करेगी या प्रिवेंट करेगी और स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेगी. बहुत ही अच्छा होता है विटामिन सी सीरम. आपके डे केयर में आप यूज कर सकते हैं, जैसे डे में आप जब स्किन केयर कर रहे हैं तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एक टाइम आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर लीजिए, एक टाइम पे आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं. और ये प्लम के काफी अच्छे, मैंने आपको जैसे कि बताया इसमें क्रुएल्टी फ्री है, ये वेगन प्रोडक्ट है, इसमें एसएलएस पैराबेन कुछ नहीं है और एकदम प्लेन है, नो फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है इसमें. और ये हमारा 550 का प्रिंट प्राइस आ जाता है. 15% विटामिन सी सीरम है जो कि अच्छा है. और अगर आपके फूड्स काफी ज्यादा इंटेक ऐसे हैं जिसमें विटामिन सी है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है, आपने अगर मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने शो किया था रेटिनॉल सीरम. तो ये भी प्लम ब्रांड का है, ये 1% रेटिनॉल सीरम है. ये कोलाजिन को बूस्ट करता है आपकी स्किन के, मल्टीप्लाई करता है आपके स्किन सेल्स को और आपकी स्किन में जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस रिड्यूस करता है. और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीरम होता है, तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ वीक में 2 बार से स्ट्राइप करना है और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं. और इसको एकदम ड्राई स्किन में लगाना है, इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है. और इसको मैं सजेस्ट करूंगी कि रात में अप्लाई करिए, दिन में नहीं अप्लाई करना है. तो ये अगेन बॉटल फॉर्म में आ जाता है, इसका विद ड्रॉपर ये आ जाता है ब्लैक बॉटल, ताकि जो ये सब ब्लैक बॉटल वगैरह में क्या होता है कांच के बॉटल, तो इससे ना कि इसके जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है ना वो अपने जो एनर्जी है वो लूज आउट नहीं करते. ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रहेगा, आपको नॉर्मल अपने कबर्ड वगैरह में डार्क एरिया में स्टोर करना होता है. बाकी जो इसमें इंग्रेडिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, इसके फाइन लाइंस रिड्यूस करता है और ये काफी ज्यादा अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो काफी अच्छा आप विजिबल रिजल्ट देखेंगे. नेक्स्ट मैंने प्लम से एक और चीज खरीदी है जो कि है बॉडी ऑयल. तो ये विंटर्स में क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और मॉइस्चराइजर भी काम नहीं करता है. तो मैंने खरीदा बॉडी ऑयल जिसमें वनीला फ्लेवर है. ये बहुत ही ज्यादा लाइक इसका खुशबू से ऐसा लगता है कि इसको खा जाऊं, कपकेक वाला इसमें खुशबू है और बहुत ही अच्छा है. ये बॉडी लविंग बॉडी ऑयल और ये बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही लाइट इसका ऑयल है, बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके कपड़े अगर आप सोच रहे खराब हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है. बहुत ही अच्छा इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एकदम क्विकली, बहुत ही कम टाइम पे. और ये काफी अच्छा खासा लाइक मैंने काफी ज्यादा यूज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना थोड़ा ही खत्म हुआ है. काफी कम क्वांटिटी में आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छा एंड फुल विंटर मेरा ये चलने वाला है, लाइक काफी लंबे टाइम तक ये चलने वाला है. ये 200 ml का बॉटल है, ये 550 इसका प्राइस है. इसमें 100% वीगन है, ये भी क्रुएल्टी फ्री है, इसमें नो SLS, नो पैराबेन. मैंने प्लम से काफी अच्छे शॉपिंग किया तो मुझे प्लम का ये फ्री प्रोडक्ट मिला है. तो ये ग्रेप सीड सी बैकचॉर्न का ये प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें और माइल्ड फोम्स ये स्क्रब है. लाइक अगर ड्राई करते हैं ना आपकी स्किन बाकी स्क्रब, ये फोमिंग करता है स्क्रब है, काफी अच्छा. मैंने इसे यूज किया, काफी टाइनी टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स है तो काफी ज्यादा हार्श नहीं रहेगा आपकी स्किन के लिए एंड इजिली आपकी स्किन को ड्राई आउट करे बिना आपके डेड सेल्स को हटा देगा और आपकी स्किन को एकदम क्लीन कर देगा. तो अंदर मैं दिखा देती हूँ, ट्यूब फॉर्म में आता है और यहां से मैं दिखाती हूँ, एकदम बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल्स हैं एंड इजीली आपकी स्किन में थोड़ा सा लेदर भी करता है, देख सकते हैं. इतना ही सही मैंने लिया और काफी ज्यादा लेदर कर गया है. हमारा 75 ml का प्रोडक्ट है और इसका प्रिंट प्राइस है 335 rupees. नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने खरीदा अपने फेस के लिए एक ऑयल, ये है कुमकुमादि तैलम ऑयल जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी इसका काफी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो मैंने 2-3 पहले भी ऑयल यूज किया है कुमकुमादि तैलम, तो मैंने उतना अच्छा मैंने रिजल्ट नहीं देखा, तो मैंने इस बार ये वाला ब्रांड का परचेज किया है. इट इज फ्रॉम द ब्रांड वासु
एंड इसके भी काफी अच्छे रिव्यूज थे। 50 ml का प्रोडक्ट, प्राइसिंग ₹350, तो हमारा ये प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है, क्योंकि इसका अगर कामा आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे और कुमकुम आदि तेल, इट्स वेरी मच एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड 1500 to 2000 rupees, तो मैं उतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती। बट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस ऑयल, और ये काफी ज्यादा अच्छा ऑयल है अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपकी ये सब प्रॉब्लम के कंसर्न है, एंटी एजिंग, ग्लो, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे ऑयल और सैफ्रन भी है इसमें, बहुत ही आयुर्वेदिक इसमें ऑयल यूज किया जाता है जिससे आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। नेक्स्ट आ जाते एक और फेमस ब्रांड विच इज ऑल ओवर इंटरनेट दीज डेज, तो ये है डर्माको का प्रोडक्ट। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई इस प्रोडक्ट को खरीदने में, बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। तो ये डर्माको का मैंने खरीदा है 30% AHA 2% BHA फेस पीलिंग सॉल्यूशन। आजकल ये हो गया जैसे पहले से हम लोग अपना स्क्रब वगैरह यूज करते हैं फेस के सारे डेड सेल्स वगैरह निकालने में, तो वो सब चीजें अब बोलते हैं कि वो सब कोई काम नहीं करता है। आप पीलिंग सॉल्यूशन लगाइए, लग के केमिकल पीलिंग करिए, वो आपके स्किन में आपको विजिबल डिफरेंस दिखाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी खरीद लेती हूँ, तो मैंने ये खरीद लिया है। ये है साइंटिफिक बेस्ड इंग्रेडिएंट डीप एक्सफोलिएशन, एंड इसमें है पीएच वैल्यू 3.6 और ये है डर्माको का। तो इस तरीके से बॉक्स फॉर्म की पैकेजिंग में आ जाता है, एंड अंदर हमको मिला है, मैंने अब तक यूज नहीं किया, अंदर हमें ये एक बॉटल मिल रहा है, दिस इज ग्लास बॉटल, और उसके साथ हमें मिल रहा है एक ड्रॉपर। तो जब मैं इसे यूज करूंगी तो ड्रॉपर इसमें लग जाएगा, एंड हमारा ये बॉटल का जो ये जो कलर होता है ना, इट्स लाइक ब्राउन और मेरून इन कलर। इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 10% लैक्टिक एसिड है, 10% मेंडेलिन एसिड है, एंड 2% सैलिसिलिक एसिड है। तो इसमें काफी ज्यादा एसिड है, इसमें लाइक 5 to 10 minutes आपको स्किन में रखना है, फिर वॉश ऑफ कर लेना है, एंड फॉलोड बाय योर स्किन केयर। तो ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने रिव्यूज में सुना है, तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसको यूज करूं। ये हमारा आ जाता है, इसमें भी सल्फर फ्री है, डाई फ्री है, पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है। ये 599 का प्रोडक्ट है, एंड दिस इज 30 ml का प्रोडक्ट, तो काफी अच्छा क्वांटिटी हमें मिल जाता है इस प्राइस में। अगर आप पीलिंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो बोला जाता है सिलेमाइड प्लस HA इंटेंस फेस मॉइस्चराइजर यूज करना, तो मैंने उसको यूज करने के बाद इसको अप्लाई करने के लिए मैंने इसको भी परचेज किया है। और ये है फेस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, माइन इज ड्राई स्किन। इसमें है सिलेमाइड और इसमें है हाइलोरोनिक एसिड, एंड डे और नाइट दोनों में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें क्लेम किया है ये आपको 72% मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, और इसमें हम दिखाते हैं आप, ये है 25 ग्राम का प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑफ ₹149, तो मैंने छोटा ही खरीदा है। तो इस तरीके से ये ट्यूब फॉर्म में आ जाता है, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा एक और प्रोडक्ट मंगा लूंगी, तो इनिशियली मैंने एक छोटा ही खरीदा है। और ये सब मैंने डर्माको से खरीदा है, तो मुझे एक और फ्री प्रोडक्ट मिला है, दैट इज क्रीमी फेस क्लिंजर फॉर सेंसिटिव स्किन। तो क्या आप अपने फेस को इससे क्लीन करिए, फिर केमिकल पीलिंग अप्लाई करिए, फिर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी फ्री मिला है। ये हमारा फ्रेग्रेंस एंड सोप फ्री क्लिंजर है, आपकी स्किन को क्लिंज करेगा, आप सोप की जगह पे आप इसे डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपके फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये भी पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, अगेन ये ट्यूब फॉर्म में पैकेजिंग में आ जाता है, और ये है 30 ग्राम का प्रोडक्ट, इट्स ऑफ ₹149। तो ये हमारा हो गया है डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स। इसमें काफी ज्यादा हाई एकदम इंटेंस स्किन केयर के बारे में मैंने बात की है, तो लाइक मैंने भी अभी सीखा है, और मैं आई होप ठीक से आप लोगों को कन्वे कर पा रही होंगी। अगर कन्वे कर पा रही हो तो उसके लिए लाइक करिए, काफी ज्यादा मेहनत की है स्किन केयर को इकट्ठा करने में भी और आप लोगों को बताने में भी, लाइक खुद तो हम पढ़ लेते हैं और बताने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी। इफ यू वांट टू प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सबका एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगी। तो अब बात करते हैं आई क्रीम के बारे में। तो मैं काफी टाइम से आई क्रीम यूज नहीं करी थी, मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और दैट्स इट। तो अब मैंने सोचा कि मैं स्किन केयर में अपना आई क्रीम भी एड करूँ, तो लाइक जूसी केमिस्ट्री ब्रांड, इसमें है डिमास्क रोज एंड कॉफी, जो की काफी ज्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है, फाइन लाइन्स और डार्क सर्कल्स वगैरह सबको रिमूव करेगा। ये हमारा बहुत ही प्यारा क्यूट पैकेज में आया है, और दिस इज लाइक अगेन ग्लास बॉटल विच इज ब्लैक इन कलर। तो इस तरीके से हमारा ये एल्यूमिनियम टाइप का कैप है, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। हाई एंड इंग्रेडिएंट्स वाला खुशबू है इसमें, दिस इज क्रुएल्टी फ्री एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ये, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल, नो पैराबेन, नो प्रिजर्वेटिव, तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, और ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये मुझे याद है कि ये मुझे 300 में मिला था, और इसका क्वांटिटी इज 5 ग्राम। तो आई क्रीम क्या होगा, काफी अच्छा और लंबे टाइम के लिए चल जाता है, तो ये आई एम श्योर काफी लंबे टाइम के लिए चल जाएगा। तो आजकल जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो जीवा बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हो जाती है, और वो मेरे लिप्स को
ऐसे ऐसे रब करके अपने लिप्स में लगाती है, और ऊपर से आजकल हम घर पे भी रहते हैं, कहीं जाना नहीं रहता है और स्किन भी ड्राई रहती है और थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगना है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्गेनिक लिप एंड चीक टिंट्स ट्राई करूँ। काफ़ी ज़्यादा हाइप है ये प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने खरीदा है इस बार जस्ट हर्ब्स के ये तीन लिप्स एंड चीक्स टिंट्स। काफी ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे इसका पैकेजिंग आ जाता है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जस्ट हर्ब्स, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये। तो ये अगर जीवा ऐसे लेके अपने लिप्स में लगा भी लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है तो उसका ज्यादा कंसर्न है। ये आपके लिप बाम की तरह आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करेगा, चिक्स को भी ड्राई नहीं करेगा जैसे विंटर सीजन में। और काफी अच्छा सा इसमें जो कलर है बहुत ही प्यारा है और एकदम नेचुरल लगेगा, और एकदम फेड आउट होने के बाद भी आपकी स्किन में कलर रहेगा और ये काफी ज्यादा अच्छे टाइम के लिए भी चल जाता है। तो मैंने एक ही कलर अभी तक यूज किया है, तो मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज ऐसे बॉक्स फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग दी हुई है। इसमें जावित्री, जोजोबा और राइस स्टार्च है और इस तरीके से कैप है, एंड अगेन एक कैप आ जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो काफी ज्यादा अच्छे से ये ब्लेंड होता है आपकी स्किन में और लिप्स में भी काफी अच्छे से ये ग्लाइड करता है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये मैंने एक ही यूज किया है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैंने इसमें तीन कलर्स खरीदे हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से कलर है। एक इज सॉफ्ट न्यूड, सेकेंड इज रोज कोरल एंड थर्ड इज पिंक फॉरएवर। यह 12 आ जाता है 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एट ₹695 और इसमें मुझे डिस्काउंट, मुझे शायद 10% या 15% का डिस्काउंट मिल गया था, तो आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी वैसे भी रिपब्लिक सेल आने वाला है तो वहां पे आप परचेज कर सकते हैं। तो इस हॉल का लास्ट प्रोडक्ट है जो कि ये है लेट्स सेव की तरफ से इवियोर। ये है शेविंग क्रीम जो काफी अच्छे से स्मूथ शेविंग करेगा। तो विंटर के सीजन में शेविंग वगैरह करने में थोड़ा सा स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, और पैंडेमिक की वजह से हम बाहर तो जाते नहीं है तो घर पे ही सारा चीज करती हूँ। मैं पहले से भी घर पे ही करती थी, तो ये काफी अच्छा हेल्प करता है, मुझे स्किन ड्राई नहीं होता है, काफी स्मूथली अपना रेजर ग्लाइड कर देता है। ये व्हिप क्रीम में है, ऑयल पील है, शेयर बटर है, आर्गन ऑयल है एंड एलोवेरा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ये आप कहीं भी, आप फुल बॉडी में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ये रस्ट प्रूफ कैन है, लाइक पानी वगैरह में हम जैसे बाथरूम वगैरह में रखे तो इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, ये भी एक अच्छी चीज है। और इसमें है नो पैराबेन, नो सल्फर्स, नो आर्टिफिशियल कलर और इसमें सिलिकॉन्स भी नहीं है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये 150 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है ₹249। तो इसमें रेजर वगैरह के साथ भी आता है, तो ये मुझे विदाउट रेजर का मैंने खरीदा है। तो इस तरीके से ऐसे पंप आ जाता है, तो आप ऐसे पंप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, तो इन सब में ये काफी ज्यादा काम आता है। और 2-3 times मैंने यूज किया और अभी भी अच्छा खासा क्वांटिटी है इसमें, तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। अब आ गए हम इस ह्यूज स्किन केयर हॉल के एंड में। आई होप आप लोगों ने काफी ज्यादा इंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि क्या कंफ्यूजन है, तो आई विल मेक श्योर कि आप लोग की सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, काफी ज्यादा लंबा हॉल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो भी कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।